से भी हो एक कंपैशनेट रिवाइवल मेजर्स किए जाए ताकि हमारी जो ये इकोनॉमी है पटरी पे आ जाए। और हमारे पास बहुत ऐसे इश्यूज हैं जो हमने ऑलरेडी फॉरवर्ड किए हैं, मगर आपके थ्रू आज हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो हमारी डिमांड है एयर कनेक्टिविटी की, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिमांड है। और इसके साथ अभी रमज़ान, माह रमज़ान आ रहा है और फिर हज आएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारा KCCI जो चैम्बर हाउस था वो रुक गया था, आपको पता ही है पहले अगस्त पे कोविड की सिचुएशन से। और ये जो हाउस रुक गया, इसमें अब आपको पता है इलेक्शन होने वाले थे KCCI के, अब कोविड ने उन लास्ट टाइम हो रहे थे वो नहीं हो पाए। आज हम आपके थ्रू तमाम बिजनेस कम्युनिटी को अपील करेंगे कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक वाहिद एक ऐसा इदारा है, जब भी अल्लाह ने कुछ किया तो आपके सामने ये आ गया सामने और फोरफ्रंट पे रहा हमेशा। बाकी आप देखें, आएंगे लोग जाएंगे, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस कोई मतलब नहीं रखता है। जब भी कोई बड़ा इशू होता है, इट इज़ द ओनली KCCI हु हैज बीन इन्फेक्टेड। हम आपके थ्रू सब लोगों को अपील करें कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, LG एडमिनिस्ट्रेशन को एक अपील करते हैं कि आप कोविड का सिलसिला ख़त्म हो गया है। हर जगह आप देखिए इलेक्शन की बातें हो रही हैं, असेंबली इलेक्शंस की भी बातें हो रही है, तो मेरे ख्याल से KCCI का भी इलेक्शन का एक रास्ता हमवार होना चाहिए। जिसमें भी रुकावटें की हैं वो रुकावटें अब खत्म होनी चाहिए। सब लोगों को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी KCCI लवर्स होंगे वो एक मैसेज को रीड करेंगे कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना है, वरना आप देखेंगे आए दिन आप देखेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम पे क्या क्या हो रहा है। तो प्लीज़ आपको सब लोगों को ये बोलना चाहेंगे कि जैसे ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हाउस अपना स्टार्ट होगा, हमने तय किया है कि एक इनक्यूबेशन सेंटर हमारे यूथ के लिए उधर होगा, जहाँ पे तमाम तर पॉलिसीज उनको बताई जाएंगी, एक हेल्पिंग डेस्क खोला जाएगा। तो हमारी जो कोशिशें इंशाल्लाह वो चलती रहेंगी और हम सब, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आ गए और आपने हमारी बात सुनी।